पहला पार्ट जो हमारा है बॉडी, ठीक है। और बॉडी के अंदर ड्राइंग रीडिंग हम कर चुके हैं, उसकी वीडियो मैं अटैच कर दूंगा साथ में, ठीक है। इसके अभी हम देखते हैं, पहले हमें एक 204 बाय 16 रेक्टेंगल चाहिए। उसमें हम कटिंग करके जैसे बनाना, शेप बना लो, चाहे शेप हाफ बना के हाफ को मिरर कर लो, आपकी चॉइस है, ठीक है। शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलो यूँ लेते हैं, स्टैंडर्ड मिलीमीटर आईपीटी, मेट्रिक स्टैंडर्ड के अंदर काम कर रहे हैं हम, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड में क्रिएट करने जा रहे हैं। एक चीज़ का ख्याल रखना, जो ये ड्राइंग है अब आपके पास, ये फर्स्ट एंगल में नहीं है, थर्ड एंगल में है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल क्लियर कर रखा है मैंने क्लास में, बाकी यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो एक वीडियो उसकी बना दूंगा, ठीक है। तो अब हम शुरू कर लेते हैं। स्केच सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद मेरा जो नेक्स्ट काम होगा, इसके बाद हमारा होगा, हम रेक्टेंगल स्टार्ट कर सकते हैं। पर ऐसे शुरू नहीं करना डायरेक्ट, ड्राइंग पहले हमने रीड कर रखी है। तो पहले प्रोजेक्ट ज्योमेट्री लेंगे, प्रोजेक्ट ज्योमेट्री के करने के बाद पहले हम सेलेक्ट करेंगे सेंटर पॉइंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारे रेफरेंस के हैं। दोबारा से बता रहा हूँ, अगर इसने पुरानी असेंबलीज नहीं कर रखी तो इसमें शुरू कर रहे हैं, तो इसमें स्टार्टिंग से बताता हूँ कि सबसे पहले हम प्रोजेक्ट ज्योमेट्री इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास रेफरेंस आ जाए, एक्स वाई रेफरेंस। उसके बेस पे हम काम करेंगे तो हमारा जो होगा फुली कंस्ट्रेंट बनेगा। जैसे अभी नीचे यहाँ पे फुली कंस्ट्रेंट लिखा है, तो वैसे फुली कंस्ट्रेंट में काम करने से हमारा जो स्केच है वो हमारा मूव नहीं करता जब हम आगे जाके काम करते हैं, क्योंकि अगर कोई डायमेंशन चेंज की तो उसके बेसिस पे सारा कुछ मेरा खराब हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो पहले हम सारा कुछ सेफ लेके चलेंगे, हम सारा कुछ प्रोजेक्ट ज्योमेट्री से रेफरेंस दे के फुली कंस्ट्रेंट करके चलेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लाइन कमांड पिक कर रहा हूँ, एक लाइन लगाई मैंने, ठीक है। इसके बाद लाइन से आप चाहे स्ट्रेट रेक्टेंगल लेना, स्ट्रेट रेक्टेंगल ले लो, ठीक है। मिड तक ना लिया मैंने, अब हाफ चाहिए मुझे, हाफ नहीं चाहिए तो मेरी चॉइस है, मैं एक जगह सेट करके उसे मिरर कर सकता हूँ। वो आपको कमांड बता रखी है, इसमें भी करूँगा, आपको समझ आएगा उसमें, ठीक है। वे ट्रिम कर रहा हूँ, हाफ ले रहा हूँ, हाफ को मैं डायमेंशन कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे रख रहा हूँ। नीचे जो मेरे पास कर्सर के नीचे जो आ रही हैं, यहाँ से देखना, जब यहाँ पे लेके जाता हूँ किसी भी लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, या एक से ज़्यादा लाइन है, या कुछ और डायमेंशन है, या एक्सिस है, तो जब वहाँ जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे कर्सर के नीचे एक सिंबल आता है, और सिंबल पे रोक के रखूँगा वहाँ पर, तो मेरे पास ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, कर्व ये वाला लेना है, या नेक्स्ट कोई और कर्व है, और बहुत सारे अगर कुछ होंगे, कर्व है, पॉइंट है, वो सब नीचे आएंगे, जो आपको चाहिए आप उसे क्लिक करके सेलेक्ट कर लोगे। ये कर लिया मैंने, अभी 204 था तो 204 का हाफ करना है, तो 204 बाय 2 कर सकता हूँ, या 102 डायरेक्ट डाल सकता हूँ, वो चॉइस हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास होती है, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला मुझे पता है, पर हमने ऊपर वाला नहीं लेना, क्योंकि हमें वो डायमेंशन अलग से गिवन नहीं है, ये डायमेंशन गिवन है, तो इस डायमेंशन को यहाँ से डायरेक्ट पिक कर लूँगा, ठीक है। तब भी आप एक बार चेक कर लो कि यहाँ पे हमारे पास 16 डायमेंशन दिखा रहा है, ठीक है, तो हम 16 डायमेंशन ले लेंगे यहाँ से। उसके बाद आ रहा है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो मेरा डिस्टेंस है ये वाला, वो 5 का है, ठीक है। हमने ड्राइंग एडिंग कर रखी है। ये बनाने के बाद इसको पूरे को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास मिरर कमांड की ऑप्शन आती है, मिरर कमांड में जाऊँगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो मैंने इस कॉपी मिरर करना है उसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मिरर लाइन लूँगा, वो मेरा प्लेन हो जाएगा, ठीक है। अप्लाई करूँगा तो आएगा, अगर सीधा डन करूँगा तो नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे डन कर लिया, तो ये मेरे पास प्रोफाइल बन के आ गया। अभी नीचे का बेस, आपको डायमेंशन चाहिए रखो, नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो, और पूरी डायमेंशन देनी है तो आप पूरी डायमेंशन दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि पार्ट आपका अलग अलग चल रहा है, तो आप इस लाइन को डिलीट करके इस वाली लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हो यहाँ तक, ठीक है। तो अब आपकी सिंगल लाइन बन गई है, इसकी आप डायमेंशन करना चाहो तो यहाँ पर जाओ, क्लिक करो, डायमेंशन पूरी दे सकते हो, ठीक है। जैसे ही आपकी डायमेंशन वहाँ पे ड्राइंग में दे रखी है, आपने उस तरीके से ही डायमेंशन देनी है, ऐसा ना हो कि आप अपनी मर्जी से कुछ और कर लो, ठीक है। तो मैं, ठीक है, हम यहाँ पे अब शुरू करते हैं। आगे क्या करना है, हमने यहाँ बीच में हमें एक प्रोफाइल चाहिए, ठीक है। प्रोफाइल क्या है मेरे पास, सपोज करो मैं एक रेक्टेंगल यहाँ बना रहा हूँ, अब आप चाहे वन साइड कर लो प्रोफाइल, चाहे आप बोथ साइड कर लो, चॉइस आपके पास है। चाहे आप नीचे वाले पोर्शन को बना के ऊपर वाले पोर्शन को अलग से बना लो, वो भी आपके पास ऑप्शन है। किसे बनाया, इसे एक्सट्रूड कर दिया, जो इसकी डेप्थ थी वो डेप्थ दे दी मैंने, उसके बाद मेरा काम वहाँ पे कम्प्लीट हुआ। फिर ऊपर से आके मैंने उसके फ्रंट ऊपर और टॉप फेस को लेके उसके ऊपर एक्सट्रूड करके स्टेप्स देने वैसे कर सकता हूँ, या साइड वाला फेस लेके, मतलब प्लेन एक्सिस जो सेंटर वाली लेके उस
पे बना के मैं प्रोफाइल को रिवॉल्व कर सकता हूँ। मेरे पास ऑप्शंस है कि मुझे कैसे काम करना है, ठीक है। तो ऊपर वाला प्रोफाइल अभी लेके बनाऊंगा तो मेरा रेक्टेंगल बनेगा, बट अगर आप यहाँ चेक करोगे तो वो सिलेंड्रिकल है, तो अभी उसको बनाने का मुझे फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रोफाइल को जो मैंने बनाया था इसको हम अभी नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो नीचे वाले प्रोफाइल को लिया मैंने, स्केच से बाहर आ रहा हूँ, 3D में जा रहा हूँ, एक्सट्रूड कमांड पिक की मैंने, एक्सट्रूड कमांड में पूछ रहा प्रोफाइल कौन सा आपका, मैं कह रहा हूँ जब मैं यहाँ पे किसी कमांड को सिलेक्ट करूँगा तो उसके नीचे एक ब्लू लाइन आ जाएगी। अगर मैंने क्लिक किया तो उसने कमांड को छोड़ दिया, तो इसमें कोई भी कमांड अभी एक्टिव नहीं है। यहाँ जाऊँगा तो कोई कमांड को पिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक क्लिक करने के बाद यहाँ ब्लू लाइन आ रही है, इसका मतलब ये कि अब मुझे सेलेक्ट करना है। मैंने प्रोफाइल सेलेक्ट किया, वो कह रहा है 10 mm का चाहिए, मैं कह रहा हूँ नहीं, यहाँ मैंने देखा है कि 114 mm का है, ठीक है। तो यहाँ पर आया हूँ, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 114 mm, और मुझे चाहिए बोथ साइड सिमेट्रिक, क्योंकि मुझे सेंटर में काम करना है, इसके सेंटर प्लेन में काम करना मुझे, ठीक है। तो ओके कर रहा हूँ इसको, ये बन गया मेरे पास। अब इसको बनाने के बाद एक तो तरीका है कि यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट करूँ, क्लिक किया मैंने, ये ऑप्शन मेरे पास स्केच की यहाँ से आ रही है। जो नए यूज़र उनको बता दूँ कि यहाँ से आप स्केच क्लिक कर सकते हो, अगर वहाँ से नहीं करना चाहते तो उस पर क्लिक करोगे, जिस सरफेस पे आपने काम करना है, न्यू ड्राइंग, आपकी लास्ट ऑप्शन प्लस वाली होगी, ये स्केच क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर आ गया मैं, ये आपका व्यू बार है, इसको आप रोटेट कर सकते हो, जैसे आपको सूट करता है आप वैसे काम कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपकी यहाँ से एज की एक्सिस दिखा रहा है, तो मुझे एज की एक्सिस नहीं चाहिए, मुझे इस एक्सिस पे काम करना है। तो क्या करूँगा, प्रोजेक्ट ज्योमेट्री पर जाऊँगा, इस एक्सिस को ऑन कर लिया मैंने, उसके बाद और एक्सिस पे काम करना है तो उन्हें सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे एक तरीका है मेरे पास कि मैंने यहाँ पे पहले एक सर्कल बनाया, फिर एक दूसरा सर्कल बनाया। अभी दो सर्कल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जो ज़रूरत है एक इंटरनल सर्कल की है और एक आउटर सर्कल की है। यहाँ अगर आप चेक करोगे तो हमारा जो इंटरनल सर्कल है 62 रहा गया है और आउटर 95 का है, ठीक। यहाँ पर आ रहा हूँ, डायमेंशन पिक कर रहा हूँ कि ये मेरा 62 का है और ये वाला मेरा 95 का है। ये बनाने के बाद इसे फिनिश स्केच करके इसे पूरे को ऊपर एक्सट्रूड कर सकता हूँ जितना मुझे चाहिए, इसको चाहिए, ये मेरे को होलो चाहिए तो इसको को नहीं करूँगा, बाहर वाले को करूँगा। आप सिंगल सिंगल भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक, ऑप्शन आपके पास है। अब इसकी आपको लेंथ कितनी चाहिए, ये हमने कैलकुलेट की थी 77 हमारे पास, तो 77 ख्याल रखना, ये पूरी थी, मुझे पूरी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए होगा, मुझे स्टेप चाहिए। अगर पूरा बना रहा हूँ 62 का तो मुझे बाद में अलग से आके 65 का ही कट करना पड़ेगा। अभी ये 13 है, ठीक है, तो पहले 13 ले लेते हैं, ले रहा हूँ 13 mm, ये मेरे पास एक कम्प्लीट हो गया। फिर से यहाँ पर गया, फिर स्केच पिक किया मैंने, फिर से मैं प्रोजेक्ट ज्योमेट्री जा रहा हूँ, मुझे बाहर वाला सेम सर्कल चाहिए तो सेम रख लूँगा, ठीक है। अंदर वाला है उसके लिए मैं इसकी वाई एक्सिस, इसकी एक्स एक्सिस और इसकी जेड एक्सिस सेलेक्ट कर लूँगा और सेंटर पॉइंट ले लूँगा। इसके रेफरेंस से मैं एक सर्कल यहाँ बना लूँगा, तो मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए तो थोड़ा बड़ा रख लूँगा, ठीक है। डायमेंशन यहाँ पे चेक कर लूँगा, वो 62 था तो 65 है, ठीक है, और बाहर वाला 95 ही चल रहा है मेरे पास। तो क्या करूँगा, अब डायमेंशन दे दूँगा इसकी मैं, कि डायमेंशन है इसकी मेरे पास 65, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया उससे, अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा बड़ा है उससे। फिनिश स्केच करूँगा, यहाँ पे एक्सट्रूड पर आऊँगा, ठीक है जी, ओके। सरफेस जहाँ मुझे एक्सट्रूड जो मुझे मटेरियल चाहिए वहाँ पर जाके सिर्फ मटेरियल देके डायमेंशन दे दूँगा 37 mm। दोबारा से स्केच, फिर से जा रहा हूँ प्रोजेक्ट ज्योमेट्री में, आउटर बाउंड्री। अब मुझे अगर अंदर वाला चाहिए तो अंदर वाला सेलेक्ट कर लूँगा, करके टिक करूँगा फिनिश स्केच, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्ट किए हैं प्रोजेक्ट ज्योमेट्री के अंदर वो सफिशेंट है मुझे काम करने के लिए, तो डेक्ट पिक कर लूँगा उसको मैं। और इस पर डिमेंशन देखेंगे तो 11 mm है मेरे पास, तो उसके यहाँ पे 11 mm पिक कर लिया मैंने, ठीक है। अब मैं चेक करना चाहूँ कि अगर मुझे प्रोफाइल वैसा ही मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो उसकी विजुअल स्टाइल जो है मेरे पास उसको मैं वायर फ्रेम में करके देख लूँगा कि मुझे वैसे प्रोफाइल आ रहा है जैसा मुझे चाहिए ड्राइंग के अंदर, तो मेरे पास सेम प्रोफाइल वैसा आ रहा है जैसा मुझे चाहिए, ठीक। तो अब दोबारा से हम शेडिड कर लेंगे इसके विजुअल्स को। आप एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ से रोटेट नहीं करना है इसको, तो आप शिफ्ट के साथ मिडिल माउस बटन से इसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक।
ये बनने के बाद आपको अब यहाँ पे पार्ट्स बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, सरफेस सेलेक्ट करो, स्केच में जाओ। आपको पता है कि आपको पहले प्रोजेक्ट ज्योमेट्री में इसका एक्स एक्सिस चाहिए, जेड एक्सिस चाहिए और सेंटर पॉइंट चाहिए। ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सर्कल बनाने हैं, उसके अंदर ऑबलोंग्स बनाने हैं। तो पहले सर्कल बना के हम उसको एक्सट्रूड करेंगे, उसके बाद उसके इसमें हम ऑबलोंग को डिलीट कर सकते हैं। अब आपके अंदर इसमें ऑप्शन आपको एक और सिखाता हूँ, आज एरे की कमांड सिखा देता हूँ आपको। सपोज मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल का मैंने डायमेंशन दे दी, बस यहाँ पे डाया दिखा रहा है इसका, इसका जो डाया है मेरे पास वो है 38 का। तो मैंने यहाँ पे एक 38 डाया का सर्कल बना लिया। अब इस सर्कल का यहाँ से लेके सेंटर से डिस्टेंस कितना है वो मेरे पास हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है, ड्राइंग रेडी में हमने निकाल लिया था। ठीक है, हमारे पास यहाँ देखा सेंटर रेडियस 140, तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा ये 70। और यहाँ से लेके ऊपर का जो मेरे पास सेंटर दे रखा है वो 28 दे रखा है ड्राइंग में। ठीक है, तो एक बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको चार चाहिए, सपोज करो मुझे ज़्यादा चाहिए हो तो क्या करना है, एक एक करके बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम रेक्टेंगुलर एरे कमांड सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद कह रहा है डायरेक्शन बताइए, पहले ज्योमेट्री की आपकी, मैं कह रहा हूँ ज्योमेट्री तो मेरी ये वाली है भाई साहब। वो कह रहा है कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, एक्स एक्सिस में इस तरफ को। कह रहा है कितने चाहिए, मैं कह रहा हूँ मुझे दो चाहिए। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है वो आपसे वो पूछ रहा है, तो मैं कहूँगा 140, ये आपका डिस्टेंस जो है सेंटर से सेंटर का है। ठीक है, उसके बाद दूसरी डायरेक्शन पूछ रहा है कहाँ पर, मैं कह रहा हूँ मुझे वाई एक्सिस में चाहिए। वो कह रहा है नीचे को चाहिए, मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे फ्लिप कर दो, मुझे ऊपर को चाहिए। ठीक है, कितना डिस्टेंस पे चाहिए, तो 28 सेंटर से था तो 56 आपका दोनों तरफ से मिलाकर हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद इसे जब ओके करूँगा तो उसने मेरे चार सर्कल बना दिए मेरे पास। तो इस तरीके से मेरी एरे कमांड भी इसके अंदर आपको मैंने सिखा दिया है। ठीक है, यहाँ फिनिश स्केच कर रहा हूँ, करने के बाद एक्सट्रूड में जा रहा हूँ। तो मुझे हर एक सर्कल को अलग अलग पिक करना है, क्योंकि उसे नहीं पता कि मैं इसे ऊपर बनाना चाहता हूँ कट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद वो कह रहा है हाइट कितनी है, मैं कह रहा हूँ 3 मिलीमीटर की है, ओके किया मैंने। ठीक है, ये करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप मेरा इसके अंदर एक ओबलोंग को काटने का है, रेस्टेक को काटने का। तो यहाँ पर क्लिक करूँगा, स्केच मोड में जाऊँगा, यहाँ पर आने के बाद अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास ऑप्शन है कि एक तो मैं इसका पहले प्रोजेक्ट ज्योमेट्री करूँगा, सेंटर पॉइंट लूँगा, एक्स एक्सिस लूँगा और इसकी जेड एक्सिस लूँगा, क्योंकि हम वाई एक्सिस हमारी डेप्थ में है तो उस पर हम सिलेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये करने के बाद मेरे पास रेक्टेंगल के यहाँ पे ऑप्शन आती है मेरे पास, स्लोट ओवरऑल की, स्लोट सेंटर पॉइंट से। ठीक है, तो आप देख लेना आपको कौन सी चूज़ करनी है, आप चूज़ कर सकते हो, सबसे आप काम कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ ये सेंटर पॉइंट ले लूँगा, मैंने इसको प्रोजेक्ट ज्योमेट्री में नहीं लिया, इसको प्रोजेक्ट ज्योमेट्री में पिक कर लेना है भाई। इसको लेने से आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे काम करने के लिए। अब यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ से एक लाइन ली मैंने और ये थोड़ा सा रेडियस डिफाइन कर दिया। तो मेरे पास अब डायमेंशंस कुछ है वो यहाँ से पिक करूँगा, वो है मेरे पास कि ये आउटर से 16 चाहिए मुझे और ये आउटर से मुझे 22 चाहिए, 22। ठीक है, आउटर से 16 का मतलब कि इस टर्मिनल का पहले मुझे 22 ये चाहिए और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 16 चाहिए मुझे। ये बन गया मेरे पास, तो मुझे अब इसको यहाँ चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए मुझे। तो एक तो तरीका है कि इन दोनों को एक ही पॉइंट पे ले आऊँ, इसको पकड़ा, इसको क्लिक किया मैंने तो वहाँ पे प्लेस हो गया, प्लेस होने से साथ वो फुली कंस्ट्रेंट हो गया मेरे पास। अब एक बन गया, यहाँ बनाने के बाद सेम वे यूज़ करेंगे हम, रेक्टेंगुलर पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, ज्योमेट्री हमारी ये पूरी है तो पूरी को सिलेक्ट कर लेना, फिर डायरेक्शन आपकी एक्स में दो चाहिए आपको, डायरेक्शन वाई में आपको दो चाहिए ऑपोजिट साइड में। यहाँ पे आपको डिस्टेंस चाहिए 140 का और यहाँ पे आपको डिस्टेंस चाहिए 56 का, ओके किया मैंने। ये मेरा स्केच तैयार हो गया। स्केच तैयार होने के बाद दोबारा से जाऊँगा एक्सट्रूड में, अब इस एक एक को सिलेक्ट करूँगा, थोड़ा जूम कर लेना अगर सिलेक्शन ना हो रही हो तो। ठीक है, घबराना नहीं, अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो दोबारा कर सकते हैं स्टार्ट। ठीक है, ये करने के बाद हमें दिख रहा है कि ऊपर एक्सट्रूड मतलब डेप्थ आ रही है, मुझे मटेरियल नहीं चाहिए, मुझे कट करना है, तो हम इसको कट कमांड को पहले सेलेक्ट करेंगे। बूलियन में हमारे पास तीन ऑप्शन हैं, मटेरियल को ऐड करना, कट करना या फिर दोनों का कॉमन छोड़ना। ठीक है, तो
कट कर दिया मैंने, पर कट कितना चाहिए मुझे, डेप्थ कितनी चाहिए, पूरा चाहिए किसी सरफेस तक चाहिए, ठीक है, तो हमें पूरी चाहिए तो हम थ्रू आउट कर देंगे, या हम डायमेंशन भी डाल सकते हैं कि हमें कितना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया, ये हमारा ऊपर वाला प्रोफाइल हो गया, पर अभी ये कम्प्लीट नहीं हुआ, ठीक है, क्यों, मुझे इस प्रोफाइल पे एक स्केच अभी और बनाना है, जो पिन का हमारा डिफाइन हुआ था कि पिन हमें चाहिए यहाँ पर। सेंटर पॉइंट लूँगा और एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे काम करना है, जेड एक्सिस भी ले लेना। यहाँ पर जाके मैं एक सर्कल बनाऊँगा, सर्कल का मेरे पास डाया है 3 मिलीमीटर की पिन है मेरे पास, ठीक है, 3 मिलीमीटर की एक पिन हो गई मेरे पास। अब सेंटर से कितना डिस्टेंस है वो हम यहाँ चेक कर लेंगे। तो अगर हम चेक करेंगे, हमें यहाँ से इन दोनों ड्राइंग से नहीं पता लगेगा कि वो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा पैड में, या फिर मैं जाऊँगा बुश के अंदर। तो बुश के अंदर मुझे पता है डाया 44 है, इसका आउटर डाया 44 है, तो मतलब हाफ, 1/4 इसमें आ रही है, 1/4 इसमें आ रही है हमारी पिन। तो इसका मतलब ये हो गया कि 22 रेडियस पे हमें इस सर्कल को बनाना था, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं 22 डिस्टेंस इसको बना लूँगा इस पॉइंट से, ये 22 है मेरे पास। अब ये फुली कॉन्स्टेंट हो गया, इसको ओके किया। अब आपको याद होगा कि इसमें लिखा था कि जो है आपका हाफ बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है, 10 लेंथ है इसकी, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 का एक कट लगाएंगे। टूल में पिक कर रहा हूँ, जूम इन कर लेना, इस सर्कल को पिक किया मैंने, एक्सट्रूड हो रहा है, मैं कह रहा हूँ मुझे कट करना है, ठीक है, 10 लेंथ है इसकी, तो हाफ बॉडी में 5 चाहिएगा मेरे पास, कट करना है मुझे, ओके कर दूंगा। यहाँ पे ये मेरा तैयार हो गया। अब हम जाएंगे इसकी बैक साइड पे, ठीक है। अब यहाँ मुझे प्रोफाइल 2 कट करते हैं, ड्राइंग में देखा था कि यहाँ पे हमारे पास 2 पोर्शन कट हो रखे हैं नीचे, ठीक है, 2 ये ग्रुप्स कट कर रखे हैं हमने, तो अब यहाँ पर हम उनको बनाएंगे। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं स्केच से, ठीक है, कि हम पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट ज्योमेट्री की हमने एजेस हमें चाहिए होंगी, क्योंकि एजेस हमें डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मुझे चाहिए होगा इसका सेंटर एक्सिस चाहिए होंगी, सेंटर एक्सिस मुझे चाहिए होंगी जेड में, क्योंकि मुझे यहाँ से 13 डिस्टेंस गिवन है वो ज्योमेट्री, ठीक है। तो क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल बनाऊंगा पहले यहाँ पर, ये रेक्टेंगल में है। अब मुझे इसकी डायमेंशन यहाँ से पता है कि यहाँ से 10 मिलीमीटर है, यहाँ से 10 मिलीमीटर है, यहाँ से और साथ वाला जो है पीस था उससे हमारा डिस्टेंस है वो 13 था, तो ये 6.5 हो जाएगा मेरे पास, और ये वाला भी मेरे पास 10 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। एक बन गया, एक बनाने के बाद तो आपने मिरर करना है इसको, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया आपने, मिरर लाइन में गए, प्लेन सेलेक्ट किया आपने, अप्लाई किया, डन किया। यहाँ पर हमने अपनी स्केच किया, अपनी स्केच करने के बाद थोड़ा टिल्ट कर लेना है पीस को, ताकि आपको दिखे कि हाँ जी कुछ आपका पीस जो है अंदर को जा रहा है बाहर को जाएगा, जब आप एक्सट्रूड पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हो, और इन दोनों स्केच जो हमने सेलेक्ट किया, तो ये एक्सट्रूड में बाहर आ रहा है, तो हमें कट चाहिए, हम अनसाइड करेंगे, कितने कट चाहिए हमें, 3 मिलीमीटर कट चाहिए, ठीक है, ओके करेंगे। तो हमारे पास ये पीस तैयार हो गया। अब इस पीस को भी तैयार मानना नहीं है जब तक आप इसको वायर फ्रेम में देख नहीं लेते, ठीक है, वायर फ्रेम में चेक कर लेना, जिससे कि आपकी ड्राइंग आपके पास है, क्या ये पीस वैसा बन गया है। अगर ये पीस वैसा आपका बन गया है जैसे आपका प्रोफाइल यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसका मतलब आपकी ड्राइंग कम्प्लीट हो गई है, ठीक है। और अब इस पार्ट को आप सेव करके कर सकते हो, कोशिश करो कि पार्ट साथ साथ सेव करो, साथ साथ नहीं कर रहे हो तो ठीक है, ये पार्ट आपने साथ साथ सेव कर लेना। ये पार्ट नंबर 1 है, तो इसका नाम है बॉडी, ख्याल रखना मैंने इसका एक अलग से फोल्डर बनाया है फोटोशॉप बीनिंग में, ताकि सारे पार्ट्स वहाँ पर जाकर सेव होंगे मेरे पास, ठीक है। एक पार्ट मैंने बना लिया, पहला फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है, अब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम अब नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, ठीक है, ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट सारे पार्ट्स बना के फिर हम असेंबलिंग करेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन रेज कर देना, कमेंट में डाल देना, ठीक है। अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, तो वो भी इस चीज़ को कर लेंगे। थैंक यू।